नमस्कार दोस्तों, धर्मेश किचन में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही आसान विधि से और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ कोकोनट कुकीज बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बनाना बाजार से भी अच्छी कोकोनट कुकीज। कोकोनट कुकीज बनाने के लिए सबसे पहले हम ओवन को 180 डिग्री बेकिंग मोड पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। जब तक ओवन प्रीहीट हो रहा है, तब तक हम कुकीज के लिए डो बना करके तैयार करेंगे। और इसके लिए बोल में 1 कप मैदा, अगर आप वजन से ले रहे हो तो 150 ग्राम मैदा लेना होगा, आधा कप कसा हुआ सूखा नारियल, आधी टीस्पून बेकिंग पाउडर डालकर मिला लेंगे। सारी सामग्री अच्छे से मिलने तक मिला लेंगे। अब छलनी में आधा कप पीसी हुई चीनी डालकर छान लेंगे। तो यहाँ हमने चीनी को छान लिया है, अब उसी में आधा कप बटर भी ऐड करेंगे। अब चीनी और बटर को 5 मिनट के लिए फोक की सहायता से अच्छे से फेंटेंगे। अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज करना चाहते हो तो 1 चुटकी नमक जरूर मिलाइएगा, और बटर की जगह पर आप घी का भी यूज कर सकते हो। जितना हम अच्छे से फेंटेंगे, हमारी कुकीज उतनी ही अच्छी बनेगी। मिश्रण क्रीमी और लाइट हो जाए तब तक हमें इसे फेंटना होगा। यहाँ आप देख सकते हो कि मिश्रण एकदम क्रीमी हो गया है। अब उसी में हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिला के रखे थे वो भी ऐड करेंगे और मिलाते हुए डो तैयार करेंगे। यहाँ मैंने 2 बूंद जितना कोकोनट एसेंस ऐड किया है, जिसे कुकीज़ में कोकोनट का अच्छा सा टेस्ट आएगा। ध्यान रहे दोस्तों, हमें आटे को मसलना नहीं है, बस सिर्फ मिलाते हुए समेटना है। तो यहाँ हमने डो बना लिया है। डो का छोटा सा हिस्सा लेकर देख लेंगे, इस तरह से हथेली के बीच में घुमाते हुए पेड़ा बनाएंगे। आप देख सकते हो कि पेड़े की किनारे फट रही है, मतलब हमारा डो परफेक्ट नहीं है। तो यहाँ हम सिर्फ 1 टेबलस्पून दूध ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब फिर से डो का छोटा सा हिस्सा लेकर गोला बनाकर चेक करेंगे। अब आप देख सकते हो कि किनारे नहीं फट रही है। तो यहाँ हमारा कुकी बनाने के लिए डो तैयार है। डो से मैंने 12 समान गोले बना लिए हैं। अब एक गोला लेकर हथेली के बीच में घुमाकर थोड़ा सा प्रेस करेंगे और नारियल बूरा से कोट करेंगे। नारियल का बूरा हमें सिर्फ ऊपर की बाजू ही लगाना है। तो इसी तरह हम बाकी की कुकीज भी बना करके तैयार करेंगे, जिसे बेकिंग ट्रे में रखते जाएंगे। अब इसे प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। दोस्तों, अगर आप कढ़ाई में बनाना चाहते हो तो कढ़ाई को पहले 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लीजिए। जैसे मैं आपको केक बनाते वक्त दिखाती हूँ, बिल्कुल वैसी तरह कढ़ाई को प्रीहीट कीजिएगा। फिर थाली या डिश में बेकिंग पेपर रखना पड़ेगा और फिर आप कुकीज़ को 20 मिनट के लिए धीमी आँच पर बेक कर सकते हो। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि हमारी कुकीज़ बहुत ही अच्छे से बेक हो गई है, जिसे ओवन से निकालकर बाहर निकाल लेंगे और बिल्कुल ठंडा होने देंगे। हमें इसे 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि नीचे की साइड भी हमारी कुकीज़ अच्छे से बेक हो गई है। कुकीज़ को मैंने 2 घंटे के लिए ठंडा कर लिया है, अब इसे तोड़कर भी देख लेंगे। कुकीज़ का टेक्सचर देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारी कुकीज़ बहुत ही अच्छी बनी है। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर महीने तक रख सकते हो। दोस्तों, इस कम से कम सामग्री और आसानी से बनने वाली कोकोनट कुकीज को ट्राई जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मैं घर में ही फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।